अब हम पे तो इतना अच्छा बनाते बनता नहीं है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप जो कंप्यूटर वाला कीबोर्ड होता है उसकी मदद से मोबाइल में पियानो कैसे प्ले कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो इसके लिए दोस्तों आपको एक कीबोर्ड की जरूरत होगी बेसिकली, और जरूरत होगी एक OTG केबल की। तो ये OTG केबल जो होती है दोस्तों, ये 20-25 रुपये में आपको मार्केट में आसानी से मिल जाने वाली है। बस इसे खरीदते समय एक बात याद रखें कि आपके मोबाइल में टाइप सी है या पुराना वाला टाइप है जो पुराने मोबाइलों में होता था, तो उस टाइप का यदि है तो उस टाइप का खरीदें, और यदि आपके में नया मोबाइल है आपके पास USB टाइप सी का सपोर्ट है उसमें, तो आप USB टाइप सी की OTG केबल खरीदिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों एक मोबाइल की जरूरत होगी तो वो आपके पास है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपके मोबाइल में प्ले स्टोर में जाना है और वहां से एक एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है जिसका नाम है म्यूजिक कीबोर्ड। ये पाल में सॉफ्ट एंटरटेनमेंट की तरफ से बनाया गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यह म्यूजिक कीबोर्ड, तो इसे आपको दोस्तों डाउनलोड कर लेना है। ये देख सकते हैं 4.1 की रेटिंग है और 10 मिलियन इसके डाउनलोड हैं। और इसे आपको दोस्तों, ये पाल में सॉफ्ट एंटरटेनमेंट, इसे आपको डाउनलोड करना है। मैंने एक्चुअली और भी ट्राई किए हैं बट उनमें उतने परफेक्टली जो है ये कीबोर्ड के साथ काम नहीं करता है, बट इसमें दोस्तों काफ़ी अच्छे तरीके से ये काम करता है। तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है और फिर इसे ओपन कर लेना है। मैं अभी इंटरनेट बंद कर देता हूँ और फिर इसे ओपन करता हूँ ताकि एड्स वगैरह जो हैं काम आए। इसके अलावा दोस्तों आपको ज़रूरत पड़ेगी एक माइक्रो USB, यदि आपके मोबाइल में माइक्रो USB लगती है तो माइक्रो USB, टाइप सी लगती है तो टाइप सी की OTG केबल। और ये दोस्तों बहुत सारी जगह काम आती है और बेसिकली अभी हम इसका इस्तेमाल इसमें करने वाले हैं। तो ये USB टाइप सी है, ये 15-20 रुपये 25-30 रुपये की आपको बहुत आसानी से दोस्तों मार्केट में मिल जाएगी। हाँ, मिनिमम 25-30 रुपये की तो मिल ही जाएगी। और ये नॉर्मल कंप्यूटर का कीबोर्ड है तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, आपके पास होगा। और तो इतनी चीज़ों की ज़रूरत होने के बाद आपको क्या करना है, इन तीनों को कनेक्ट करना है आपस में। तो इसको इसमें कनेक्ट कर दीजिए कीबोर्ड में, और देन फिर उसके बाद इसको अपने मोबाइल में आप कनेक्ट कर दीजिए। और जैसे ही मैं दोस्तों इसे कनेक्ट करूँगा तो ये कनेक्ट हो चुका है। अभी क्या है कि ये जो है कनेक्ट हो चुका है ये अब। और इसके बाद दोस्तों ये है पियानो का ऑप्शन, तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप पियानो पर पहुंच जाएंगे। ये है पियानो, और अभी क्या है इसमें बहुत सारे मोड भी आपको देखने को मिल जाते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर गिटार है और हारमोनियम है और ये पियानो ही है। तो चलिए दोस्तों इसे हम प्ले करके देखते हैं। इसमें जो ये वाली बटन्स हैं, ये वाइट वाली हैं, और ये वाइट वाली शुरू शुरू की इन बटनों से बजेंगी और लास्ट की इन बटनों से बजती हैं। और जो ब्लैक वाली हैं दोस्तों, वो शुरू शुरू की इन बटनों से बजती हैं, और जो लास्ट वाली हैं कुछ वो ये इन बटनों से बजती हैं। ये आप देख सकते हैं इनसे बजती हैं कुछ। तो इसमें जो है कुछ कीस जो हैं वो यहाँ पर ऐसे वर्क करेंगी, कुछ ऐसे वर्क करेंगी, कुछ कीस वर्क नहीं करेंगी इसमें, क्योंकि इसमें इतनी कीस हैं वो इनके हिसाब से सिंक्रोनाइज है। तो ये वाइट वाली हैं और ये ब्लैक वाली हैं। तो दोस्तों बस आपको इतना कनेक्ट करने के बाद आप दोस्तों सिर्फ बजाइए और इंटरटेन होइए। भाई अब हम पे तो इतना अच्छा बजाते बनता नहीं है। तो यहाँ से आप और चेंज भी कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। ये गिटार है दोस्तों, तो इस तरीके से। और आप यदि चाहें तो इस एप्लीकेशन में आप सीख भी सकते हैं, बाहर ही आपको ऑप्शन मिल जाता है एक सीखने के लिए, तो उससे आप दोस्तों जो है क्या सीख भी सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है म्यूजिक सीखने के लिए, तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वेल यही था आज की इस वीडियो में, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और दोस्तों जिंदगी के मजे उठाते रहिए, हम फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।